हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस पूरव झा के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस, एजाज खान एंड पूरव झा के बीच जो भी कंट्रोवर्सी हुई है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। बेसिकली हुआ यूं था कि आप लोगों को पता है कि एजाज खान काफी टाइम से धमकी देते आ रहे हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसी के ऊपर पैरोडी करते हुए पूरव झा ने एक पैरोडी वीडियो निकाल दिया है एजाज खान के ऊपर। अब इस वीडियो को देखकर एजाज खान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए पूरव झा के ऊपर एंड उनको गाली तक दे दिए। आप लोगों को पता होगा ही, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एजाज खान भड़क उठे थे। तो अब पूरव झा ने भी अपनी तरफ से एजाज खान को रिप्लाई कर दिया है, पर उन्होंने जब रिप्लाई किया तो काफी पोलाइटली रिप्लाई किए, ये कहते हुए कि आप इतने बड़े हो, इतने ज्यादा उम्र के हो, आपको तो मैं गाली भी नहीं दे सकता एंड आप ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, अपने से आधे उम्र के लड़के को आप गाली दे रहे हो। तो चलिए मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। तो चिल मारो, वीडियो का इंतजार करो, वीडियो बहुत अच्छी आ रही है। बाकी भाई जो मुझे बता रहा है ना अपना पापा और ये, वो भाई जिस उम्र के तुम हो मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता भाई, बहुत बड़े हो तुम, ठीक है। तुम्हारी माँ बहन और इन सब चीज़ों पे मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा ज़मीर ये सब नहीं कहता, ठीक है। इन्जॉय करो भाई, करते रहो, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी भाई इतने लोगों के कॉल आ गए कि भाई पूरब भाई कर दो काम, कर दो ये वो, बकचोदी करो, फटनी नहीं चाहिए। अबे फटने फुटाने वाली बात ही नहीं है, बात यह है कि जो इंटरनेट पे है वो इंटरनेट तक ही रहे, ठीक है। ये पर्सनल जाने वाली चीज़ें नहीं है। सो क्या बोल। इसके बाद फिर से एजाज खान के तरफ से दोबारा रिप्लाई आ चुका है पूरव झा के ऊपर। उन्होंने फिर से क्या कुछ कहा है पूरव झा को देखिए आप लोग। बेटा पूरव, मम्मी को हेलो बोला, तुम नाम खराब कर रहे हो। तेरे को साले चौको का इतना शौक था कि तूने कैरी का चूसा डॉली बन के चूसा। वो कैरी भाई है ना। हाँ, ले लो। केरी भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जवाब दो। तो डॉली भाई, कैसा अनुभव था आपका? मेरे को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, मेरे को लगा 40 मिलियन का क्रिएटर है, इसका चूसना चाहिए, तो मैंने चूसा। डॉली 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 डॉली, साले आधा घुस गया फिर बोली। तेरी तो तूने डॉली बन के कैरी का चौको किया और कैरी ने मेरा चौको किया साले। तेरी माँ का साकिना का करारा जवाब मिलेगा। इसके अलावा राजवीर फिटनेस ने भी रिप्लाई किया है एजाज खान को के भाई तू बच्चों से लड़ रहा है, आ गया अपनी औकात में। तो क्या कुछ कहा है राजवीर फिटनेस ने, देखिए इस वीडियो में। तो भाई कल मैं इस खुजली वाले आंड की एक स्टोरी देख रहा था, बहुत उस पे मतलब मीम पेजेस ने चलाई हुई है। पूरव झा हमारा भाई एक यूट्यूबर, उसने एक बहुत छोटा सा हेल्दी रोस्ट करा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसका रिप्लाई इसने ये दिया कि इसकी माँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और भाई तूने मुझे रोस्ट करा, उससे पहले तेरी माँ का और मेरे रिश्ते का थोड़ा लिहाज कर लेता। तो इससे जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई कि इतनी ही मर्दानगी है कि भाई अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी से आधी उम्र के लड़कों की माओ को तुझे उल्टा बोलना पड़े। अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने तेरी माँ को गाली दी, तेरी बीवी को गाली दी, तेरी बहन को गाली दी नहीं, क्योंकि सारे के सारे मर्द हैं, तेरी तरह एक भी नामर्द नहीं है कि अपनी बदमाशी या अपना टोरा या अपना टशन दिखाने के लिए किसी की माँ को गाली देनी पड़े, ठीक। और दूसरा ये बोलता अपने आपको सच्चा मुसलमान, सच्चा पठान। तो भाई अगर तू सच्चा मुसलमान है तो तेरे जो मुसलमान फैन है, जो तेरे चिल्ली मिल्ली ये टटपुंजी फैन है, या जो तेरा बेटा है जिसका तू सुपर हीरो है, उसको तू ये शिक्षा दे रहा, तुझे सारे कुरान में या तेरे इस्लाम में तुझे ये सिखाया जाता है कि सबकी माओ को गाली दो। किसी भी यूट्यूबर ने तेरी माँ को गाली दी, अबे गाली देनी है गाली दे, किसी की माँ को उल्टा सीधा बोल रहा शर्म नहीं आती। किसी के धर्म को गाली दी, तेरे धर्म को गाली दी, तेरे खान होने को गाली दी, तेरे इस्लाम को गाली दी किसी ने? मुझे इसने जो बोला उसमें भाई राजपूत, पूरे राजपूत समाज को, पूरे सिसोदिया, सिसोदिया कौन होते हैं भाई, राणा, महाराणा प्रताप के वंशज, सारे राजपूत इसने टारगेट कर दिए उसमें। उसका तो खैर भाई भरपाया तुझे देना पड़ेगा, हम करवाएंगे उसका भरपाया 100%। लेकिन कल वाली जो तूने हरकत की है ना कि उसकी माँ को बोल के कि इसकी माँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर इसने हमारे रिश्ते की शर्म नहीं की, इससे भाई एक बात कन्फर्म है, ओजी तो मेरा घंटा, तू साले मर्द तक नहीं है।
समझ में आई? हमारे भी बहुत मुसलमान दोस्त है, हमने नहीं देखा आज तक किसी भी मुसलमान दोस्त ने हमारे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी की माँ को गलत बोला हो, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक भाई, 2 से 3 दिन में आऊंगा मुंबई, एकदम हो आमने सामने मिल लियो, 1-on-1 करना हो 1-on-1 कर लियो, देख लेंगे किसके बताशे कितने को बोले, किसी दम है किसके हाथों में कितना दम है। ठीक है, 1-on-1 करना हो 1-on-1 कर लियो या सामने आके एक बार मिल लियो। और जो तूने भाई सारे राजपूतों को ये जो टाइटल को तूने गाली दी है ना, सिसोदिया माने महाराणा प्रताप, और जितने भी हमारे देश में सिसोदिया हैं, जितने भी राजपूत हैं, उनका तूने टाइटल का जो मजाक बनाया ना, उसका तुझे भरपाया करना पड़ेगा 100%। साले नामर्द, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी की जगह समझ में आती है भाई, हमने भी 4 बातें बोली ना, हमने एक बार भी बोला हम राजपूत हैं, ना हमने एक बार भी बोला हम हिंदू हैं। जब से तूने शुरू करी है मैं पठान, मैं ये, मैं वो, तो भाई जितने भी लोग इसको जातिवाद बना रहे हैं या धर्मवाद बना रहे हैं, पहले तो धर्मवाद मत बनाओ। जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, धर्म की ये कोई लड़ाई नहीं है। ऐसे 2-4 कहते ना असामाजिक तत्व, इनके ऊपर भाई जो प्यार बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, शहर के अंदर, देश के अंदर, वो वैसे ही बनाए रखो। ऐसे जिनकी वजह से ये चीजें खराब होती है, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई राजपूत भाई हैं, इसको थोड़ा सा अकल देना, समझाना इसे, जितने भी हमारे ठाकुर पेज हैं। और इसका जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई सारा गुस्सा इस चीज का, इसने जो सरनेम का जो मजाक बनाया, उसका मैं इससे भरपाया करवा के रहूंगा। चाहे 4 दिन में चाहे 6 दिन में मैं जाऊंगा, सामने आ गया तो साथ एंड टू एंड, वरना 1 महीने 2 महीने 1 साल जिंदगी बहुत बड़ी है भाई, इस चीज का तो भरपाया करना ही पड़ेगा और 1000% करना पड़ेगा। तो जितनी भी बातें उन्हें थोड़ा शब्द निकालते टाइम सोच समझ के निकाल, किसको क्या बोल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं पता कौन सी चीज कहाँ महंगी पड़ जाए, और बड़े बड़ों का घमंड नहीं टिका, बड़े बड़े का घमंड रुका नहीं टिका नहीं भाई, तू वाले भी नहीं है, समझ भाई। तू मर्दानगी के नाम पे, एक मुसलमान के नाम पे, एक इंसान के नाम पे कलंक है, कलंक कलंक, जो आधी उम्र के बच्चों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उनकी माँ को गलत बोलना पड़ रहा है, इंसान के नाम पे भी कलंक है। तो आपका इस पे क्या कहना है एजाज खान एंड पूरब झा की ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।